हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। कैसे हैं आप सबको? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक लो कैलोरी हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट वेट लॉस डिनर रेसिपी। इस रेसिपी में हमें कैलोरीज करीब 327 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन करीब 20 ग्राम के आसपास है और कार्बोहाइड्रेट करीब 8 ग्राम के आसपास है। इस रेसिपी को वो भी फॉलो कर सकते हैं जो कि कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको कीटो डाइट फॉलो करना है, तो उसमें परेशानी ये आती है कि हमें बेसिकली लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करना पड़ता है और वेजिटेरियन में लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की जो मैं रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे आप इजिली अपने कीटो डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी के साथ ही साथ अगर आप मेरे इंडियन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस की सीरीज ऑफ आवर वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ आप मेरे वेट लॉस रेसिपीज की वीडियोस को भी देखिए और इन्हें भी आप फॉलो करिए, तो इससे आप अपना अच्छा खासा वजन तेजी से कम कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और जो नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर करिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। आज मैं आप सभी के साथ कैप्सिकम पनीर स्टफ वेट लॉस रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए हमें करीब 150 ग्राम का कैप्सिकम या शिमला मिर्च चाहिए। प्याज मैंने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम का है ये, और साथ में पनीर लिया है ये 200 ग्राम का है, ये दो लोगों की सर्विंग है। इसे बनाने के लिए हमें जो शिमला मिर्च है उसे कट करना है, इस तरीके से कट करना है कि उसका जो अंदर का बीज है उसे हमें निकालना है, बाकी पूरा हमें शिमला मिर्च चाहिए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही कट करिएगा। फिर प्याज को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। चॉपर में फिर हमें यहाँ लहसुन ऐड करना है करीब 5 ग्राम के आसपास। फिर मैं मिर्ची ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्ची, दो मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें और भी मिर्ची को ऐड कर सकते हैं। और इसे हमें एकदम फाइनली चॉप करना है। देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से चॉप हुआ है, कोशिश करिएगा कि इस तरीके से आप चॉप कर सकें। पैन गरम हो गया है और इसमें अभी मैं 1 स्पून के आसपास का तेल ऐड की हूँ और प्याज, मिर्ची और गार्लिक जो हमने चॉप किया है इसे अभी हमें करीब 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। फिर मैं ये पनीर जो है इसे चॉपर में ऐड करके इसे भी मैं फाइनली चॉप कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फाइनली चॉप हुआ है, अगर आप ग्रेट भी करेंगे तो भी चलेगा। अभी प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है तो ये जो पनीर है इसमें ऐड कर देना है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून के आसपास का धनिया पत्ती पुदीने का पेस्ट। हल्दी आपको ऐड करना है करीब 1/8 स्पून के आसपास। फिर हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर आधा चम्मच। पनीर जो है इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम है और पनीर ही मेन सोर्स है इस डिश का। जब हम कीटो डाइट को फॉलो करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम मात्रा में लेना है और इस रेसिपी में हमें करीब 8 ग्राम के आसपास का कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे पनीर भी अच्छे से पक गया है, सो अभी हम क्या करेंगे कि पनीर को ठंडा होने के लिए रहने देंगे। जब पनीर पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो ये जो कैप्सिकम है शिमला मिर्च इसके अंदर हमें पनीर को अच्छे से स्टफ़ करना है, टाइटली स्टफ़ करना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ सेम वही प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी, काफ़ी हेल्दी भी है और सिंगल सर्विंग में हमें करीब 20 ग्राम के आसपास का प्रोटीन भी मिलता है। सो वेट लॉस में तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। आप इसे डिनर के टाइम पे ईजिली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने शिमला मिर्च को यहाँ पे करीब 3 से लेकर 4 पीसेस में कट कर रही हूँ एक एक शिमला मिर्च को। सो आप भी इसे ऐसे ही कट कर लीजिएगा, अंदर पूरा पनीर अच्छे से स्टफ है। अगर आपके पास मशरूम है तो आप इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा शिमला मिर्च कट करके भी ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट जो वैल्यू रहेगी वो थोड़ी सी बदलेगी, बट वो भी कीटो डाइट में आप उन फूड्स को भी अपने डाइट में ईजिली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तवा गर्म हुआ है और मैंने आधा चम्मच के आसपास का जो तेल है वो ऐड किया है।
और अभी जो हमारे जो पनीर और कैप्सिकम के जो पीसेस हैं, अभी इसे तवे पे ऐड करके हमें दोनों साइड से इसे लाइटली रोस्ट कर लेना है। हमारी हेल्दी हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट कैप्सिकम पनीर स्टफ जो है ये बनकर रेडी है। आप अपने डाइट में 4 ऐसे पीसेस इजीली ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको सैलेड भी लेना ज़रूरी है। इवन जो कीटो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं वो भी इसे इजीली अपने डाइट में डिनर के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण से ये आपके वज़न को तेज़ी से कम करने में मदद करेगा। सो ज़रूर आप इसे ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए ये रेसिपी कैसे बनी है। इस रेसिपी में सिंगल सर्विंग में कैलरीज 327 कैलरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 20 ग्राम के आसपास है और कार्बोहाइड्रेट 8 ग्राम के आसपास है। सो इसे आप डिनर के टाइम पे इजीली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। रेसिपीज़ का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप को आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किसी भी रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।